कहते हैं समाज के जो बुजुर्ग हैं वो हमारी ऐसी धरोहर हैं जिन्हें हम हमेशा संजो कर रखना चाहेंगे। उनके अनुभव का लाभ हमें हमेशा मिलता रहे, यही हमारी दुआ है। इसी के साथ मैं माननीय श्री पीएन सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ग्रेजुएट हैं, शुरुआत में आपने राम सेवक की नौकरी की, 1965 में आप गजेटेड ऑफिसर हो गए, बाद में आप नागालैंड गवर्नमेंट में कृषि निदेशक हो गए, फरवरी 2001 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अब मैं माननीय श्री सूर्य नारायण सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर पधारें। सेवानिवृत्त हैं, भाजपा से 2001 से 2006 दाऊदपुर के सांसद रहे हैं। आप प्रबुद्ध नागरिक परिषद काली मंदिर दाऊदपुर के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। आप 2009 से मोतीलाल इंटर कॉलेज दुघरा के प्रबंधक हैं। आपको योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सामाजिक कार्य प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। आप लोगों का आभारी हूँ कि कम से कम आप लोगों ने जो हमको सम्मान दिया है उसके याद रखूंगा और समाज के लिए शुरू से ही काम करता रहा और करता रहूंगा। अपने दाऊदपुर का पार्षद भी रहा, इस समय श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज दुघरा का प्रबंधक तो उनकी काम चल रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि समाज को तो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। पढ़ने लड़किया तो पढ़ने को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि समझ रहे हैं कि देहात से लेकर के शहर तक काफी जो है शिक्षा में प्रगति हुई है। और सबसे खुशी की बात है बाबू रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज के जो दो अध्यापक हमारे बाबू हिरदा शंकर बाब और परमहंस बाब थे, उनके बच्चे इतने बड़े पदों पर रह करके भी समाज की सेवा कर रहे हैं। और सुनील सिंह बाबू ने हमारे विद्यालय ने पैसा जमा कर दिया है और उससे जो साल का ब्याज मिलता है उससे जो तेजस्वी बच्चों को बांटा जाता है, उसमें कार्यक्रम भी होता है, आपके परिवार का कोई जाता है नहीं जाता कभी काम हो जाता। तो इसके साथ मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों और आने वाले लोगों को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि समाज को आगे ले चलने में सभी लोग सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।